दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाना है। दोस्तों पूरे खेल जगत और क्रिकेट फैंस की निगाहें कल दुबई में होने वाले ब्लॉकबस्टर मुकाबले पर टिकी होंगी, क्योंकि कल विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का एक और अध्याय लिखा जाएगा। जी हां दोस्तों, कल भारतीय टीम अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रही है, लेकिन इस महामुकाबले से एक दिन पहले टीम के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी ने 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है जो कि कल पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर मोर्चा संभालेंगे। लेकिन दोस्तों धोनी ने अपने इस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में कौन सी है बेहतरीन टीम, नीचे हमें कॉमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दोनों ही अभ्यास मुकाबलों में टीम इंडिया को धमाकेदार जीत मिली है। और दोस्तों जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है। क्रिकेट टीम इंडिया अपने आर्च राइवल्स को वर्ल्ड कप में बुरी तरह पीटती आई है। दोस्तों 1992 से लेकर 2001 तक 50 और 20 ओवरों के वर्ल्ड कप में जितनी बार भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं, पाकिस्तान की टीम को हर बार मुक्की खानी पड़ी है। दोस्तों भारतीय टीम का 100% जीत का रिकॉर्ड रहा है और इस दौरान दोनों टीमों के बीच में कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं जहां पाकिस्तान की टीम भारत से हारती ही आई है और अपने फैंस को हर बार पाकिस्तान की टीम ने शर्मिंदगी का एहसास कराया है। और दोस्तों आज की टीम इंडिया को हराना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम मीलों आगे दिखाई पड़ती है। दोस्तों भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में चल रही है और अपने दोनों अभ्यास मुकाबले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को हराकर मिशन 2021 का धमाकेदार आगाज किया है। और अब बारी है इस शानदार धमाकेदार मुकाबले की जहां टीम इंडिया बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों जितना फैंस भारत पाक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसी तरह टीम के खिलाड़ियों में भी इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहती है। हालांकि ये एक दबाव वाला मुकाबला भी होता है और इसलिए इस मुकाबले को कोई भी टीम हल्के में नहीं लेना चाहती है, जिसे देखते हुए टीम इंडिया के मेंटोर MS धोनी भी अपने अनुभव का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों मैच से पहले पूर्व कप्तान ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और इस टीम को देखने के बाद आप सभी को भी यही लगेगा कि ये टीम पाकिस्तान तो क्या दुनिया में किसी भी टीम को आसानी से धूल चढ़ा सकती है। तो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ क्या है धोनी की प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग में रोहित के साथ KL राहुल नजर आएंगे, वहीं मध्यम क्रम में कप्तान कोहली, सूर्य कुमार यादव मजबूती देंगे, वहीं ऋषभ पंत टीम के विकेट कीपर होंगे। और दोस्तों छठवें और सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर धोनी की टीम में है, जबकि स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ भुवनेश्वर कुमार की तेज तिकड़ी पाक बल्लेबाजों को ध्वस्त करते हुए दिखाई देगी। वहीं दोस्तों स्पिनर में रविचंद्रन अश्विन मैच में खेलेंगे जो कि अभ्यास मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और वहीं वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों धोनी की प्लेइंग 11 पाकिस्तान को छठवीं बार हराने में कामयाब होगी या फिर नहीं, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।